एक तरफ जहां पूरे देश में ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड पाने के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानने और पढ़ने के बाद लोग निशब्द हो गए हैं। 85 साल के एक बुजुर्ग ने जान जाने से पहले जिंदा दिली की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे हर कोई याद रखेगा। महाराष्ट्र के नागपुर के नारायण भाऊराव दाभाड़कर अस्पताल में भर्ती थे। इस बीच वहां पर एक महिला 40 साल के अपने पति को लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि कोई बेड खाली नहीं था। महिला डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाने लगी। ये देखकर कोरोना के इलाज के लिए भर्ती हुए 85 साल के आरएसएस कार्यकर्ता नारायण भाऊराव दाभाड़कर ने अस्पताल प्रबंधन से कहा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरी उम्र अब 85 साल है, इस महिला के पति युवा हैं, उस पर परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए उसे मेरा बेड दे दिया जाए। दाभाड़कर की गुजारिश को मानते हुए अस्पताल प्रशासन ने उनसे एक कागज पर लिखवाया कि मैं अपना बेड दूसरे मरीज के लिए स्वेच्छा से खाली कर रहा हूं। इसके बाद दाभाड़कर घर लौट आए, लेकिन इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 3 दिन बाद उनका निधन हो गया। दरअसल नारायण भाऊराव दाभाड़कर को कोरोना हो गया था। बड़ी मशक्कत के बाद उनके दामाद और बेटी ने उन्हें इंदिरा गांधी शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाए थे, लेकिन एक महिला की मदद के लिए उन्होंने अपना बेड छोड़ दिया और खुद घर चले गए। इसके 3 दिन बाद उनका निधन हो गया। मानवता और मदद की ये मिसाल सुनकर हर कोई निशब्द है और उन्हें हर कोई सलाम कर रहा है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।